क्या आपको पता है म्यूचुअल फंड के एसटीपी और स्विच ऑप्शन के बारे में? ये बहुत ही बेहतरीन फीचर है म्यूचुअल फंड का, जो कि नॉर्मली और किसी दूसरे इन्वेस्टमेंट में आपको नहीं मिलेगा। पर ये भी सच है कि बहुत सारे इन्वेस्टर को इस फीचर के बारे में पता नहीं है कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं और कब करते हैं। तो मैं आपको इस सेशन में बताने वाली हूँ कि आप कब एसटीपी और स्विच ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर यू टू हैव अ बेटर वेल्थ क्रिएशन इन द लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म में आपको ज़्यादा अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने के लिए एसटीपी और स्विच ऑप्शन बहुत ही यूजफुल फीचर है। वेल, फुल फॉर्म क्या है एसटीपी का? सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान। तो जैसे कि नाम मेंशन हो रहा है, सिस्टमैटिकली ट्रांसफर करता है वो पैसे एक स्कीम से दूसरे स्कीम में। चलिए हम थोड़ा पीछे चले जाते हैं। पहले सेशन में मैंने आपको बताया है एसआईपी के बारे में, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, और मैंने उसका कॉन्सेप्ट भी बताया है कि ये एग्जैक्टली होता क्या है। आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सिस्टमैटिक ट्रांसफर प्लान के बारे में। एसआईपी में पैसा आपका कटता है बैंक अकाउंट से और इन्वेस्ट होता है स्कीम में, जो भी आपने स्कीम सिलेक्ट किया है। वेयर एज आपका एसटीपी में ट्रांसफर होता है एक स्कीम से दूसरे स्कीम। तो इसको इस्तेमाल करते हैं कब? जब आपके पास लमसम अमाउंट है। अज्यूम कि आपके पास 2 लाख रुपए है और आप 2 लाख रुपए को इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तब आपको इस्तेमाल करना चाहिए एसटीपी ऑप्शन, जहां पे आप पहले इन्वेस्ट करें अपने लमसम अमाउंट को लिक्विड फंड में, फिर लिक्विड फंड से आप सेटअप कीजिए सिस्टमैटिक वे में वो आपके टारगेट म्यूचुअल फंड स्कीम में जाए, जो कि इक्विटी है। अब ऐसा हम क्यों करते हैं? हमने पहले भी समझा है कि इक्विटी मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है। जब हम एसआईपी करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट किश्तों में करते हैं, तो हमें यूनिट डिफरेंटली मिलता है बेस्ड ऑन एनएवी। सेम वे में एसटीपी में भी ऐसा ही होता है कि आपको यूनिट डिफरेंट मिलता है बेस्ड ऑन एनएवी ऑफ द डिफरेंट डेज। सो द ओनली डिफरेंस बिटवीन एसआईपी एंड एसटीपी इज दैट कि एसआईपी में आपका पैसा बैंक अकाउंट से निकल के स्कीम में जाता है, एसटीपी में आपका एक स्कीम से निकल के दूसरे स्कीम में जाता है। और ये हेल्प करता है आपको एक्चुअली दो वे में। पहला, तो अगर आप बड़ा अमाउंट अपने बैंक अकाउंट में रखेंगे तो चांसेस है कि वो शायद खर्च हो जाए थोड़ा, बट द मोमेंट यू पुट इट इन अ लिक्विड फंड और एनी डेट फंड, जहां से आप इसके लिए एसटीपी सेटअप करना चाहते हैं इक्विटी म्यूचुअल फंड में, दैट टाइम यू कीप योर मनी असाइड, तो ये पक्का हो जाता है कि आप लिक्विड फंड से निकाल करके उसको खर्च नहीं करने वाले हैं। तो एक ये फायदा कि आपका पैसा बचा रहेगा। दूसरा फायदा ये है कि लिक्विड फंड में भी आपकी कुछ अर्निंग होती रहेगी 4-5% के हिसाब से। तो आपने अगर 2 लाख रुपए डाला है तो वो शायद 2,20,000 हो जाए बाय द टाइम यू कंप्लीट योर एसटीपी फ्रॉम योर लिक्विड फंड टू इक्विटी फंड। तो ये फीचर हमेशा याद रखिएगा, अगर आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है बड़ा अमाउंट, तो कभी भी एक लमसम इन्वेस्टमेंट ना कीजिए, हमेशा ऑप्ट फॉर एसटीपी। अब चलते हैं दूसरी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, स्विच का कॉन्सेप्ट। अब ये स्विच क्या है? अच्छा, तो नाम से तो पता चल रहा है कि स्विचिंग है एक जगह से दूसरी जगह, बट एक जगह से दूसरी जगह किधर? एक्चुअली ये है स्विचिंग बिटवीन वन स्कीम टू अनदर स्कीम। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि आपने 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिया लिक्विड फंड में, फिर वहां से एसटीपी सेटअप कर दिया, ठीक है? तो धीरे धीरे आपका पैसा आपके लिक्विड फंड से इक्विटी फंड में ट्रांसफर हो रहा है। बट मान लीजिए कि बीच में एक ऐसी अपॉर्चुनिटी आई जहाँ पे मार्केट क्रैश हो गया, जैसे कि 2020 मार्च में, और सपोज आपके पास लिक्विड फंड में बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ था जहाँ पे आपने एसटीपी सेटअप किया था कि डिफरेंट डिफरेंट किश्तों में आप इन्वेस्टमेंट करें इक्विटी में, बट द मोमेंट देयर इज अ क्रैश इन द मार्केट, यू एक्चुअली वॉन्ट टू एक्यूमुलेट मोर यूनिट्स, क्योंकि उस समय आपका सेम यूनिट्स काफ़ी सस्ता हो गया, एनएवी काफ़ी गिर गया क्योंकि मार्केट गिर गया है। तो उस समय पे मैनुअल वे में आप खरीद सकते हैं यूनिट आपके टारगेट म्यूचुअल फंड का बाय स्विचिंग फ्रॉम लिक्विड फंड टू इक्विटी फंड। तो ये वाला ऑप्शन जो है सेकेंड स्विच का, वो मैनुअल ऑप्शन है। जब भी आपका एक्चुअली में मार्केट गिरता है या आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी दिखती है मार्केट में और आपका पैसा पड़ा होता है लिक्विड में, तब आप जाके एक बड़ा अमाउंट वहाँ पे स्विच कर सकते हैं, और इस वे में आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में ज़्यादा यूनिट खरीद सकते हैं सस्ते में।
तो ये रहा दो अमेजिंग फीचर आपके लिए म्यूचुअल फंड का। आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा एंड आई एम श्योर इन फ्यूचर यू विल बी एबल टू मेक यूज ऑफ इट। प्लीज़ कमेंट करके बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में कि आपको आज का सेशन कैसा लगा, और प्लीज़ ये भी बताइए कि अगला कौन सा कॉन्सेप्ट आप सीखना चाहते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से, सो दैट आई कैन हेल्प यू बेटर फॉर यू टू ग्रो your wealth in a better manner and take better control of your financial future. Do subscribe to my channel and please do share this video with your friends and family so that we can grow together. See you in the next session. Tab tak, bye bye.